एक महकती हुई सैर करेंगे आप मुंबई की? पता है किसके साथ? हमारे राधा और कृष्ण के साथ। मुंबई में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या खाया, कितना मजा किया उन्होंने, देखो तो जरा। कभी पाव भाजी बनाते सुमित, तो कभी ठंडा गोला बनाती मल्लिका। कभी जुहू बीच पर बांसुरी बजाते, तो कभी फैन संग रूबरू होते। देख लीजिए राधा कृष्ण का सैर सपाटा। जी हाँ, आज राधा और कृष्ण यानी मल्लिका और सुमित दोनों ने एक दिन के लिए शूटिंग को कह दिया है बाय बाय और उमरगांव से सीधा पहुंच गए हैं मुंबई के जुहू बीच पर, फुर्सत के पल बिताने के लिए, वो भी सास बहू और बेटिया संग, जहां आज वो पाव भाजी बनाएंगे, ठंडा गोला खाएंगे, बुलबुले उड़ाएंगे, गोल गप्पों का मजा उठाएंगे, खेल खेलेंगे और बांसुरी बजाकर मोहेंगे सबका मन। तो चलिए सुमित और मल्लिका संग करते हैं एक बीच वाला डे आउट। हम मुंबई के जुहू बीच पे हैं और हम यहाँ के खाने के मज़े लूटने आए हैं और नज़ारा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है अभी इतने दिनों बाद, तो देखते हैं आप क्या क्या खाना चाहेंगे। मैं वहाँ जाके चूज़ करती हूँ जो अच्छा लगा वो खाऊंगी, मन तो बहुत है, भूख भी बहुत है। चलो फिर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सुमित बने बावर्ची और मल्लिका के लिए बनाई यमी यमी पाव भाजी। आप पाव भाजी बनाओ और मैं खाऊंगी। अब चलो सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। मुझे आप पहली बार सुमित को पाव भाजी बनाते हुए देख रहे होंगे, फिलहाल मैं उसकी ज्यादा मजे ले रही हूँ। तो देखो कैसे बनाते हैं। मैं बहुत पहले आई थी यहाँ पे खाने, उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कब मुझे प्लेट मिले और मैं खाना शुरू करूँ। बहुत अच्छी बनाई है, यम यम। भाई सुमित ने अपनी शेफगिरी तो दिखा दी और मल्लिका को गर्मा गर्म पाव भाजी पसंद भी आ गई, लेकिन अब बारी है मल्लिका की, जो चलाएंगी अपने हाथों का जादू और सुमित के लिए बनाएंगी ठंडा ठंडा गोला। कौन सा गोला खाना पसंद करेंगे आप सर? चॉकलेट मलाई गोला। चॉकलेट मलाई गोला। मैं पूछूंगी नहीं, उनकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ कि उनको अच्छा ही लग रहा होगा, फिर पूछ भी लेते, चल थोड़ी तारीफ हो जाएगी इतने दिनों बाद मिली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, मल्लिका से इतनी उम्मीदें नहीं थी कि इतना अच्छा बनाओगे इन फर्स्ट टाइम, आपने थोड़ी हेल्प की शायद थोड़ी ज़्यादा है। भाई इस कड़कती धूप में ठंडा ठंडा गोला खाने का मजा ही कुछ और है। अगर फुर्सत के पल मिले हैं और ऐसे में गेम ना खेला जाए ऐसा कैसे चलेगा, तो भाई शुरू हो गया मल्लिका और सुमित का गोल गप्पे वाला गेम। ये गोल गप्पा भी खा रहे हैं और साथ साथ खेल रहे हैं डम शराज भी। इंग्लिश हिंदी दिल
हार्ट प्यार, हाँ प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, मैं हमारे दिल में प्यार में, हमारे हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। वैसे इनकी इस बीच मस्ती में इनके साथ आए हैं मलिका की मम्मी और राधा कृष्ण की कास्ट। तो हम यहाँ आए जू बीच, और ये कौन है यहाँ पे? हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रूबी। रूबी, आप आपको कहीं देखा देखा ऐसा लग रहा है। शायद तुम बेला में मिले। बेला में रहते। ये मलिका जी की मॉम है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये हमारी ज्योति है, बाकी वहाँ पे हमारी गैंग है शर्मिली। हाय बोल दो भाई। मिलना मिलाना तो हो गया, अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, यानी जुहू बीच की सैर करने के लिए। जहां पहुंचते ही सुमेर ने रेत पर लिख दिया राधा कृष्ण का नाम और साथ ही खाई शुगर कैंडी। और बीच पर जब इन्हें दिखा बांसुरी वाला, तो देखिए कैसे सुमेध के अंदर की कृष्ण लीला जाग गई और उन्होंने ना सिर्फ बांसुरी बजाना शुरू किया बल्कि राधा यानी मलिका से भी बांसुरी बजवाई। शूटिंग के बिजी शेड्यूल से फुर्सत के पल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे होता है माइंड फ्रेश। और तभी तो देखिए कैसे सुमेध और मलिका इस जुहू बीच पर फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने पाव भाजी खाई जो कि सुमेध ने बनाई, उसके बाद हमने गोल गप्पे खाए जिसके जो कुछ तो दमशिलाट वाले गोल गप्पे हमने खाए, वो भी इंटरेस्टिंग था, उसमें भी अच्छा लगा। फिर मलिका ने गोला बनाया, चॉकलेट मलाई गोला, विच वॉज डिलीशियस। और अब हम ये खा रहे हैं एंड इट्स फन, इतने सारे लोग हैं, अच्छा लग रहा है सबके बीच में, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी अलग हो गई नहीं लाइफ, इतने दिनों बाद जू बीच आए। पिछले बार दाऊ के साथ आए थे, तब थोड़ी बदली थी, अब थोड़ी और बदली है। इतने सारे लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। टू ऑल द फैंस, आप लोगों की वजह से हमारा शो इतना बढ़ता जा रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों की तादाद बढ़ते हुए देख के हम बहुत लकी फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। कोशिश करेंगे ऐसे ही आगे मेहनत करते रहें। थैंक यू। वैसे तो आप सभी सुमेध और मलिका को राधा और कृष्ण के रूप में ही देखते हैं, लेकिन आज सास बहू और बेटिया में आपको देखने मिली सुमेध और मलिका की रियल जिंदगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सुमेध और मलिका की जिंदगी का ये पहलू पसंद आया होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।